तो दोस्तों हिंदुस्तान के सभी क्रिकेट फैंस के लिए आ चुकी है गुड न्यूज। जो भी क्रिकेट फैंस इंतजार कर रहे हैं कि भारत में इंडियन क्रिकेट टीम को देखने का मौका कब मिलेगा, वर्ल्ड कप जीत लिया, 3 दिन हो गए और ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया का एक तरह से अज्ञातवास हो गया है, यानी कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया कैद हो चुकी है वेस्ट इंडीज के बारबिडोज में। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है, वर्ल्ड कप जीता हमारे हीरोज ने तो अपने कंट्री आए, अपने देश में आए और अपने घर वालों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ जश्न मनाए, क्योंकि हमें भी तो अपने हीरोज के साथ जश्न मनाने का मौका मिलना चाहिए या नहीं, क्योंकि भाई वर्ल्ड कप जीता है, इतनी खुशियां हैं पूरे हिंदुस्तान में और एक एक दिन जितना डिले हो रहा था सभी क्रिकेट फैंस बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और जब से अनाउंस हुआ था कि दिल्ली एयरपोर्ट पर आएगी इंडियन क्रिकेट टीम, मैं आपको बता दूं कुछ लोग दूसरे स्टेट से, दूसरे शहरों से भी आ चुके हैं दिल्ली, वो सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम को देखना चाहते हैं, एक झलक पाना चाहते हैं खिलाड़ियों की, एक बार बात करना चाहते हैं उनसे, बस मौका मिल जाए दूर से देखने का, पास से देखने का, जैसा जिसको मौका मिले, जैसी जिसकी किस्मत वैसे उसको खिलाड़ियों से मिलने का मौका मिलेगा। तो भाई ये क्या होता है, देखो हम क्रिकेट फैंस होते हैं, हम क्रिकेट को प्यार करते हैं, हम उनका क्रिकेट देखते हैं, उनके खेल को पसंद करते हैं। जब हम कहीं जाते हैं अगर वहां पर खिलाड़ियों से हमारी एक फोटो हो जाए, सेल्फी हो जाए, एक बात हो जाए, हाय हेलो हो जाए या फिर ऑटोग्राफ हो जाए, तो वो हमारे लिए बोनस की तरह है, वो कोई क्राइटेरिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड कप जीत के टीम इंडिया यहाँ पे आ गई है और आप कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया आते हो, वहाँ पे कितनी भी भीड़ आएगी सबको खिलाड़ी मिल पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मैं अक्सर खिलाड़ियों से मिलता रहता हूँ, हर जगह जाता हूँ तो मुझे पता है। और दोस्तों भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है दिल्ली एयरपोर्ट पर और उसके साथ साथ सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा होने वाली है, ये भी ध्यान रखना। तो भाई मैं तो यही कहूँगा बहुत भारी मात्रा में ना पहुँचे वहाँ पे, ज़्यादा भीड़ ना करें। और वैसे भी मैं आपको बता दूँ हिंदुस्तान का एक यूपी में शहर है हाथरस, वहां पर एक सत्संग के दौरान बहुत ज्यादा भीड़ आ गई थी और बाबा का जिनका सत्संग था, जब बाबा जा रहे थे तो उन्हें देखने के लिए गाड़ी के पीछे भागे लोग और वहां इतनी ज्यादा भगदड़ मच गई कि सैकड़ों लोग मर चुके हैं भगदड़ से। तो भाई वैसे भी जहां बहुत ज्यादा भीड़ होती हो वहां पे नहीं जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं ओपन बस में रोड शो जिस तरह से मुंबई में हुआ था 2007 का T20 वर्ल्ड कप हमने जीता था, उसके बाद इस तरीके का कोई प्रोग्राम नहीं होने वाला। सिर्फ ये है कि IGI एयरपोर्ट पर टीम आएगी, एयरपोर्ट पर टीम आने के बाद में सामने बस खड़ी होगी गेट के, पूरी सिक्योरिटी होगी, पूरा बैरिकेड बनाया होगा बीच में, टीम आएगी सीधा बस में चढ़ेगी और बस सीधा जाएगी टीम होटल में। तो दोस्तों इससे अच्छा है कि आप वहां पे आने की बजाय स्पोर्ट्स क्रिकेट को सब्सक्राइब करो और सारी वीडियोस आपको टीम के आने की, होटल में रुकने की, सारे प्रोग्राम की सारी वीडियोस आपको स्पोर्ट्स क्रिकेट पर मिलेंगी। तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका भाई जा रहा है आपके लिए वीडियोस बनाने। तो दोस्तों जहां टीम पहले बुधवार को टर्मिनल 3 पर आने वाली थी, अब मैं आपको बता दूं बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे के दिन आएगी टीम यहां पर सुबह, और आगे पीछे भी हो सकता है, अभी भी टाइमिंग फिक्स नहीं है। तो इसलिए आप यहां पर आके भीड़ ना बढ़ाएं, और मैंने देखी आपके लिए टर्मिनल 3 आके यहां से वीडियो बना के आपको भेज रहा हूं, जो भी अपडेट होगी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, प्लीज़ आप यहां पर ना आएं। अक्सर ऐसे मौकों पर ऐसा होता है जब टीम आती है तो आपको पता है पूरा वर्ल्ड कप का ट्रिप खत्म करके आ रही है, काफी सारा लगेज होता है, अपने भी काफी सारी चीजें होती हैं, फैमिली सबके साथ है, काफी सारे लोग हैं, तो फ्लाइट में से आराम से उतार के एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, पूरी सिक्योरिटी बनाई जाएगी, पूरा बैरिकेड बनाया जाएगा और एक चैन बनाई जाएगी जिसके अंदर से पूरी टीम को निकाल के लाके एयरपोर्ट के बाहर बस में बिठाया जाएगा। तो काफी वक्त इसमें लगता है, कई बार टीम एयरपोर्ट पर लैंड हो चुकी होती है उनकी फ्लाइट, उसके बाद भी 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद में जो भी आगे के प्रोग्राम होंगे, कौन से होटल में रुकेगी, सभी आपको अपडेट देंगे, जो भी अपडेट होगी आपको स्पोर्ट्स टॉक क्रिकेट पर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।